वनडे वर्ल्ड कप 2023 की धमाकेदार शुरुआत इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले से हो गई और न्यूजीलैंड ने बता दिया कि 2019 में जो इंग्लैंड जीती थी वो कहीं ना कहीं एक तुक्का था, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन की पोल पहले ही मुकाबले में खुल गई। क्रिकेट के महायुद्ध की शुरुआत के साथ ही कीवी टीम ने अपना 4 साल पुराना बदला तो पूरा कर ही लिया और साथ ही वर्ल्ड चैंपियन की पोल भी खोल के रख दी। लेकिन इस हार के बाद भी इंग्लिश टीम ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसके बारे में शायद कोई सोच ही नहीं सकता। वनडे क्रिकेट के 52 साल के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो कारनामा इंग्लैंड ने कर दिखाया। फिर भी इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर इससे खुश नहीं होंगे। चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने क्या किया है जो 52 साल में कभी नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैच में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड की टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने कप्तान टॉम लेथम के फैसले को शुरुआत से ही सही साबित करना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें इंग्लिश बल्लेबाजों ने भी खूब साथ दिया। बल्लेबाजी के दौरान इंग्लैंड के सभी बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत तो मिली, लेकिन जो रूट के अलावा कोई भी खिलाड़ी बड़ी पारी नहीं खेल पाया। अब बात करते हैं कीर्तिमान की। वनडे क्रिकेट के 52 साल के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ जब एक टीम के सभी खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी में दहाई का आंकड़ा पार किया। इसका मतलब ये है कि सभी खिलाड़ियों ने डबल डिजिट में रन बनाए, चाहे फिर वो सलामी बल्लेबाज क्यों ना हो या फिर नंबर 11 के बल्लेबाज, सभी ने डबल डिजिट में स्कोर किया। लेकिन इसके बावजूद इंग्लिश टीम एक बड़ा टोटल बनाने में नाकाम रही। चलिए बात करते हैं इंग्लैंड के स्कोर कार्ड की। तो स्कोर कार्ड इस प्रकार है। जॉनी बेरस्टो ने 35 गेंदों में बनाए 33 रन। डेविड मलान ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन बाद में वो 24 गेंदों में 14 रन बनाकर हो गए आउट। जो रूट की अगर बात करें तो एक छोर उन्होंने थामे रखा और 86 गेंदों में बनाए 77 रन, हालांकि वो शतक से भी चूके और इंग्लैंड को बड़े स्कोर तक ले जाने से भी। बात करते हैं हैरी ब्रूक की, जिनसे बहुत सारी उम्मीदें थी कि ये शानदार प्रदर्शन करेंगे, रन बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 16 गेंदों में वो भी 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बात करते हैं मोइन अली की, जिन्होंने 17 गेंदों में 11 रन की पारी खेली। कप्तान जॉस बटलर की बात करें तो शुरुआत उन्होंने अच्छी की, 42 गेंदों में 43 रन भी बनाए, लेकिन एकाएक वो भी आउट हो गए। लियाम लिविंगस्टन, जिनकी धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए वो प्रख्यात हैं और गेंदबाजों में कुख्यात हैं, वो भी यहां पर 22 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। सैम करन की बात करते हैं, एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन कल के मुकाबले में पूरी तरह बल्लेबाजी में फ्लॉप रहे। 19 गेंदों में उन्होंने बनाए 14 रन। क्रिस वोक्स की अगर बात करें तो 12 गेंदों में 11 रन बनाकर भी वोक्स का हो गया टाटा बाय बाय। आदिल रशीद से क्या ही उम्मीद करते, नाबाद रहे, लेकिन 13 गेंदों में उन्होंने बनाए 15 रन। और मार्क वुड तेज गेंदबाज है, लेकिन बल्लेबाजी भी करनी पड़ी कल, 14 गेंदों में उन्होंने बनाए 13 रन। तो ये तो बात हो गई इंग्लैंड के स्कोर कार्ड की, जहां पर बल्लेबाजों को शुरुआत तो मिली लेकिन कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाया और पूरी इंग्लैंड की टीम 282 रन ही बना सकी। एक समय पर लग रहा था कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्कोर को काफी बड़ा कर लेंगे और बचा भी लेंगे, लेकिन जब बारी आई कीवी बल्लेबाजों की तो डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए कई रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया। चलिए आपको बताते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने, और खासकर ये जो जोड़ी थी, क्योंकि विलियंग तो शून्य पर आउट हो गए थे, उसके बाद इस जोड़ी ने क्या क्या कमाल ढाया यहाँ पे। एक ही मैच में न्यूजीलैंड के लिए दो खिलाड़ियों ने सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। भाई पहले तो डेविन कॉनवे ने 83 गेंदों में शतक लगाया और उन्हें लगा कि अब उनका कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन पीछे पीछे आ रहे थे युवा बल्लेबाज रचिन रविंद्र, जिनके नाम में कहीं ना कहीं सचिन की भी झलक है और द्रविड़ की भी झलक है, और उन्होंने दोनों खिलाड़ियों का मिक्स करते हुए बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और 82 गेंदों में शानदार शतक जड़ दिया। इसके साथ ही रचिन ने अपने पहले ही वनडे वर्ल्ड कप के मैच में शतक जड़ दिया। और आपको बता दूं कि वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब ओपनिंग मैच में एक ही टीम से दो शतक आए हों। अगर इससे पहले बात करें तो 2011 में वीरेंद्र सहवाग और विराट कोहली ने यह कारनामा किया था, और दूसरी बार इस इतिहास को, इस करिश्मे को दोहराने में डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्र यहां पे कामयाब रहे। तो देखा आपने, वनडे वर्ल्ड कप 2023 के पहले ही मुकाबले में कई सारे रिकॉर्ड्स बने, तो सोचिए जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि वर्ल्ड चैंपियन इस हार के बाद कैसा कमबैक करते हैं और न्यूजीलैंड क्या अपनी इस जीत की लय को बरकरार रखते हुए 2019 वर्ल्ड कप में जो कसर रह गई थी उसको पूरी कर पाती है या नहीं। और आपको बता दूं कि दोनों टीमों का मुकाबला भारत से भी होना है। इंग्लैंड की अगर बात करें तो लखनऊ में मुकाबला होना है, वहीं अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो धर्मशाला की वादियों में यह मुकाबला खेला जाएगा और दोनों ही टीम भारत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। तो रोहित की आर्मी को भी रहना होगा पूरी तरह से इन दोनों टीमों से सावधान।